वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की सब्जी। तो चलिए इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 4 प्याज, 4 टमाटर। तो हमने कढ़ाई में 4 चम्मच तेल डाल दिया। अब इसे गर्म होने देते हैं। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें 1.5 चम्मच हम लोग जीरा डालेंगे। तो जीरा हमारा लाल हो चुका है। अभी इसमें हम प्याज डालेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे और थोड़ा और गोल्डन ब्राउन हो दे सकते हैं। हमारा प्याज हो चुका है तो अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। अब मसाला हम लोग देखते हैं क्या क्या चाहिए। 1/2 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, ये काली मिर्च है, आप लाल मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं, धनिया पाउडर 2 चम्मच, 2 या 3 चम्मच जैसा आपको ठीक लगे। आप देख सकते हैं हमारा टमाटर भी हो चुका है। अब जो हमने ये मसाला तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे। तो हमारा मसाला भी भून चुका है। अब मैं इसमें अमूल की फ्रेश क्रीम डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, या तो आप दही डाल सकते हो या तो फिर आप मलाई डाल सकते हो। तो आप देख सकते हैं हमारा ये मसाला बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें चना ऐड कर देंगे। कर दिया है। अब हमने जो चना का पानी निकाल के रखा था वो हम ऐड कर देंगे। आपको जितनी थिकनेस या ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा चना बन के तैयार है। अब इसमें थोड़ा गार्निशिंग के लिए हम हरा धनिया डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा चना बन के तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।